व्हाट्स अप गाइस, सो दिस इज कासिम एंड यू आर वाचिंग एपिक कासिम 272। तो आज हम लोग हमारी सबसे बड़ी एसएमपी ज़ैफ एसएमपी, जिसके अंदर फॉरेन कंट्री के प्लेयर्स भी हैं, हमारे कंट्री के भी प्लेयर्स हैं, और बहुत बड़ी एसएमपी। और इस वक्त पता नहीं ऑनलाइन कितने बंदे हैं एसएमपी, अभी तो फिलहाल ऑनलाइन नहीं है, लेकिन 8-9 बंदे हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। लेकिन अभी मैं बहुत ख्याल से जाऊँगा क्योंकि मुझे कोई मान, लेकिन जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे फ्रेंड टाइट सिल्वर और ज़ैफ एक्सडी के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किएगा। और इस वीडियो का हम लाइक एम रख देते हैं, कासिम जल्दी आ जाओ। चलो हाँ हाँ आ गया, मैं आ गया। हम किस पे हैं? -3210। ओ तेरी अब्दुलरहमान, इतना ज़्यादा चलने के क्या। ओके अभी अभी एसएमपी में आ गया हूँ मैं, और सॉरी रॉन्ग यू। ओके पता नहीं क्या क्या चल रहा है, विस्पर कर रहा है। रुको आई एम रिकॉर्डिंग। हाँ यार मुझे लगा सेफ होगा, सेफ यार मुझे तो लगा होगा, सेफ होगा यहाँ पर ना, पर अभी जब मैं चल के आऊंगा तो मुझे लग पता जाएगा। चलो यार खैर चलते हैं यहाँ से बहुत दूर। पहले यार मुझे इतना दूर चल के आना, तुम्हारे पास कोई फूड वूड भी है? हाँ है कसम, बहुत फूड है, कितना है? अच्छा खासा है और मेरे पास, मेरे लिए 64 सामान ब्रेड है, है। और मेरे लिए सामान है। हाँ है। बस ठीक है मैं आ रहा हूँ। पहले अपने थोड़े से स्टोन के टूल्स बना लेते हैं, रात भी हो ही हो जाएगी रास्ते में। यार रात लगा नहीं कि मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, तो अब मैं तो यहाँ से आगे मैंने अपने लिए बहुत सारे टूल्स वगैरह निकाल के, सारा सामान अपना निकाल के मैं चल पड़ा था सीधा टाइट सिल्वर के पास, क्योंकि उसने हमारी बेस बहुत दूर बनाई थी, क्योंकि हमारे एनिमीज हमारे तक ना पहुँच सकें इसलिए बनाई थी। तो अब सीधा चलते हैं टाइट सिल्वर के पास। तो ये सभी अभी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, और मुझे रास्ते में दो शिप रैक मिली, जिससे मुझे ये थोड़ा बहुत सामान मिला है। मैंने कहा वीडियो में बता दूँ, ये ना हो कुछ लोग होते हैं शक करने वाले कि हम लोग चीटिंग करते हैं। मेरे पास एक बंदा भी है, दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, और मुझे एक और मिल गया, क्या बात है। दुआ करो यहाँ पे कुछ अच्छा हो, देखते हैं क्या बात है। वीडियो के अंदर ही मिल गया था, इतनी अच्छी किस्मत मेरी कैसे हो सकती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ओए मैं पागल हो जाऊंगा। अब्दुलरहमान टायर्ड, मेरा पूरा आर्मर बन गया आते आते रास्ते में। मेरा पूरा आर्मर बन गया, मजाक हो रहा है। रुको तुम्हारे कॉर्ड्स क्या थे? रुको मुझे यहाँ पे देख, मैं इस जगह को ब्लर कर दूँ। अरे कोई और शिपरेक नहीं मिल रही, रुको ऐसे करके देखते हुए चलते हैं। यार तुम्हें सारा पानी के अंदर ही रहे हो। अब पहले मैं उस जगह पे, हम लोग यहाँ भी आ गए हैं, फूड खा लेता हूँ मैं। यार यहाँ स्केलेटन बड़े हैं लेकिन आयरन भी बड़े हैं, यहाँ से थोड़ा सा आयरन निकाल लेता हूँ मैं। हाँ कासिम, हाँ, तो ये इस यहाँ से भी हम आयरन निकाल लेते हैं बहुत सारा। 2 मिनट मेरे पास एक ये बचा है ना, इसकी मैं ऐसा करता हूँ, मेरी इन्वेंट्री भी फुल हो गई है। यार रात इतनी जल्दी हो ऐसे हो लग रहा हो गई है। अरे क्रीपर, कोल भी चाहिए होगा ना? ओवर ना हुआ करो दादा। नहीं अभी ग्राइंडिंग नहीं करनी है, तो आयरन के अंदर घूम रहे हैं वो। मैं गोल्ड के अंदर घूम रहा हूँ। गोल्ड वीक होता है आयरन से, अगर होगा आपको ना बताओ जिससे भी पूछना है सब मुझे पता है। चुप हो जाना, अब यहाँ पे बैठ के मुझे वो ना देना।
वो जो 13 सर्वर है उसको रहने थे वहां से, लेकिन प्राइवेट वाला माइंड का वाला सर्वर से बैन कर। हाँ हेलो कासिम, कहाँ हाँ तक पहुंचे हो? यार मैं पता नहीं कहाँ तक पहुंचा हूँ, मुझे अभी आयरन थोड़ा सा मिल गया था, वो ले रहा था। थोड़ा बहुत माइनिंग करके आ रहा हूँ। यार तुम कोई स्नोई रीजन के अंदर बैठे हुए हो, कासिम यार जल्दी से आओ ना। तुम किस रीजन में, मतलब जंगल के अंदर हो? तो यस अभी अभी मैं आ चुका हूँ फुल आयरन आर्मर के अंदर, और स्टैक हो गई है, थोड़ा सा सामान वामान मैंने निकाल लिया है, और मेरी लक बहुत अच्छी ये रही कि मुझे रास्ते में वो मिल गया, क्या कहते हैं उसका नाम, क्या है, क्या नाम है उस उसका यार, वो क्या, शिप रैक, शिप रैक, शिप रैक। यार एक तो ये बात भी नहीं करने देते हैं। हाँ तो मैं ये कहता हूँ हमारी बहुत अच्छी रही लक और वगैरह वगैरह, तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए, 3000 ब्लॉक चलो, और मेरे में अब हिम्मत ही नहीं बची खेलने की आगे। तो मैंने अभी यही सोचा है अगले एपिसोड में मैं मिलूँगा आप लोगों से सीधा डायमंड में अपग्रेड होके, क्योंकि ये पार्ट दिखाना बहुत बोरिंग लगता है मुझे भी, चूँकि मुझे पता है आप लोग बोर हो जाते हैं, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ इसके बाद मैं ग्राइंडिंग पे तो नहीं जाऊँगा चूँकि अभी मैं बहुत थक गया हूँ, जब ग्राइंडिंग से कर वगैरह करके फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा। तब तक के लिए पीस एंड लव, बाय बाय।